भाई और बहनों, इस ब्रह्मांड के सभी निवासियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को देव जोशी का नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे और बेसब्री से इस इंटरव्यू का इंतजार कर रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं हमारे चहीते, हम सब के रक्षक, अच्छाई और सच्चाई के मार्गदर्शक, बच्चों का प्यारा, बड़ों का दुलारा, सुपर हीरो ऑफ इंडिया, बाल वीर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। दिल से बुलाया, बालवीर आया आज के इस खास इंटरव्यू का मुझे हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू देव। अरे खुश नसीब तो हम हैं कि आज हमारे सुपर हीरो से रूबरू होने का मौका मिला। और आपको तो दुनिया बचानी होगी और भी बहुत कुछ काम होंगे, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हमारा ये इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो बालवीर, आपको देखकर सबके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इतनी पावर्स, इतनी ताकत, अविश्वसनीय सुपर पावर्स आपको मिली कैसे? आप सब तो जानते हैं कि अलग अलग मौकों पर परीतारा, वीरतारा या फिर बी बालवीर की शक्ति का स्रोत बन चुके हैं, लेकिन मेरी शक्तियों का असली स्रोत अच्छाई और सच्चाई में है, मुझे प्यार करने वालों में है, मेरे दोस्तों में, मेरे गुरु में और मेरी माँ में। बालवीर सिर्फ कोई इंसान नहीं बल्कि एक विश्वास है, एक भरोसा है जो लोगों को मुझ पर है, और यही विश्वास, यही आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वाह, हम सबको तो लगता था कि आपको ये शक्तियां लक से मिली है, लेकिन इस हिसाब से तो हम सब भी लकी हुए ना, क्योंकि हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे गुरु, हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स, वो भी तो हमारी ताकत है। लाइक मेरे लिए भी मेरे पेरेंट्स, उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ होती है, ताकि मैं अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से इस दुनिया को बेहतर बना सकूं। वैसे आपने भी हमें काफी इंस्पायर किया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, क्या है वो जो बालवीर की नीति और नियत को मोटिवेट करती है कि वो हर बार दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करे। आप सबकी तरफ मैंने भी बचपन से महान वीरों की, योद्धाओं की, फ्रीडम फाइटर्स की, समाज सेवकों की गाथाएं और कहानियां सुनी है। ऐसे लोग जो खुद से पहले दूसरों का भला सोचते हैं, जो हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रहते हैं, ये सारे लोग मेरी प्रेरणा है। और ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे हमें यही तो सिखाते हैं, पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता बल्कि अपने आस पास सभी को फलित करता है, और यही सोच मेरी भी प्रेरणा है। इतनी छोटी सी बात लेकिन हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख। वैसे हम चींटी से लेकर सूरज तक हर चीज से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन जरूरत है तो बालवीर जैसे नजरिए की। और मैं भी जानता हूं कि आप अपने अभिनय से, अपने हुनर से समाज में सकारात्मकता फैलाते हैं, बच्चों को अच्छी सीख देते हैं और अपने एनजीओ से जरूरतमंदों की मदद करते हैं। आखिर आप भी तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। हमने आपको देखकर ही तो ये सब सीखा है बालवीर, और आपको देखकर, आपको आइडल मानकर कितने सारे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव किए हैं। वैसे बालवीर, आपका सफर बहुत लंबा रहा है और इतने लंबे सफर में आपके अनुभव भी काफी रहे होंगे, तो कुछ अनुभव, कुछ मेमोरीज हमारे साथ भी शेयर कीजिए। अब काफी सारे किस्से हैं, काफी कहानियां हैं, चाहे दुश्मनों से लड़ना हो या फिर दानवों को हराना हो, बुरे लोगों को सबक सिखाना हो या अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करना, मुझे अपने जीवन में काफी अनुभव मिले हैं। लेकिन अगर मेरे दिल के करीब कोई अनुभव है तो वो है मैं भी बालवीर, एक ऐसी प्रतियोगिता जहां मुझे दुनिया भर से लाखों बच्चों के, लाखों युवाओं के पत्र पढ़ने का, उनके अच्छे और सच्चे कार्यों से अवगत होने का अवसर मिला। लाखों बच्चे मुझे पत्र भेजते और जिन्हें पढ़कर मुझे एक नई ऊर्जा मिल जाती, और सच कहूं तो इनमें से काफी सारे पत्र आज भी मेरे पास संभाल कर रखे हुए हैं। इनक्रेडिबल। तो जिसने भी अपने बचपन में बालवीर को पत्र भेजे थे, ये आप सबके लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि बालवीर आपके पत्र पाकर बहुत ही ज्यादा खुश है
और आपको हमेशा अपने दिल के करीब लगता है। तो पार्टी तो बनती है, लेकिन उससे पहले अगला सवाल। मालवीर, हमने काफी महान लोगों से सुना है कि बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और आप इतने सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी ब्रेक चाहिए, चलो कहीं घूमने चलते हैं, या फिर पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं मिल रहा तो थोड़ा आराम कर लेते हैं? वैसे आपका सवाल बिल्कुल सही है। एक सुपर हीरो होने के नाते कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ और ड्यूटीज के बीच बैलेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि समय नदी में बहते हुए पानी की तरह है, पानी बहता रहता है बिना रुके, बिना थके, बिना अपना रास्ता भटके, और जहां से वो गुजरता है वहां खुशियां बरसती है। समय भी नदी की तरह हमेशा चलता रहता है, हमारा काम है उस पल का सदुपयोग करना जो अभी हमारे पास है, और जो कि बीता हुआ समय हमारे पास वापस नहीं आता, तो हमें जिस समय जो करना जरूरी है वो निसंकोच करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले की पीढ़ियों ने काफी सारे महाकाव्यों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा हमें यही तो सीख दी है कि कैसे हम अपने समय का सदुपयोग करके जीवन का संतुलन बना के हमारे जीवन को एक आदर्श जीवन बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात। वैसे हमें भी हमारे लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स को माइंड में रखते हुए हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को इस तरह से बैलेंस करना चाहिए कि जब सही मौका और सही समय आए तो हम बिल्कुल तैयार, राइट? और आपकी लाइफ का टाइम मैनेजमेंट भी सबके लिए एग्जांपल है। आपने जिस तरह से अपनी प्रोफेशनल, एकेडमिक, सोशल और पर्सनल लाइफ को मैनेज किया है, मानता हूं यह सब मुश्किल रहा होगा, लेकिन इसके लिए आपको और आपके पेरेंट्स को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। थैंक यू बालवीर। अब अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हर जगह काफी कॉम्पिटिशन, काफी मुश्किलें, काफी चैलेंजेस है, ना ही सिर्फ पर्सनल लेवल पर लेकिन समाज में, परिवार में, अब देशों दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोचने बैठे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपके हिसाब से, आपके विजडम से, आपके मत से कोई एक विचार या फिर कोई एक सॉल्यूशन ऐसा हो जो इंडिविजुअली या कलेक्टिवली हर किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सके, तो वो क्या है? व्हाट्स योर मंत्र? वाह, आप भी पूरी तैयारी करके आए हैं। अरे बिल्कुल, अब सुपर हीरो से मिलने का मौका हर रोज थोड़ी ना मिलता है, तो जो मौका मिला उसी में चौका मार लेंगे, राइट? आपने ये जो सवाल पूछा है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दे वैसा है, लेकिन अगर हम साथ में सोचें तो व्हाट इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट, मोस्ट बेसिक थिंग ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ? जैसे कि ये बी किससे बना है? ब्रह्मांड की पौराणिक और अनोखी धातुओं से। हाँ, लेकिन उन अनोखी धातुओं के सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल के बारे में हम सोचें तो वो क्या है? एक एटम? एग्जैक्टली। हर चीज की शुरुआत एक एटम से होती है। आज से करोड़ों साल पहले उस एटम ने कहां सोचा होगा कि एक दिन वो बालवीर की शक्तियों का स्रोत भी बन सकता है। उसी तरह आज आप किसी विचारधारा को या किसी महापुरुष को देखें तो इतिहास हमें यही कहता है कि वो एक दिन में महान नहीं बने, ना ही महात्मा गांधी एक दिन में महात्मा बने और ना ही मोदी जी एक दिन में लोकप्रिय प्रधानमंत्री। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ स्पार्क ऑफ फन। एक विचार, एक इंसान, एक सोच और एक प्रयास से ही आने वाले करोड़ों वर्षों की नींव का शिलान्यास होता है। आज की हुई छोटी से छोटी चीज भी, छोटा सा छोटा प्रयास भी आने वाली पीढ़ी को किस तरह से प्रेरणा दे सकता है यह हम भी नहीं जानते, और इसीलिए मैं मानता हूं कि अगर किसी भी चीज को बदलना हो या छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले शुरुआत खुद से करो। स्टार्ट स्मॉल एंड टेक इफेक्टिव एक्शन। सफर मुश्किलों से भरा है, तेरी आशा और मंजिल के बीच लंबा फासला है,
लेकिन अगर है हिम्मत तो इस फासले को अपने फैसले से नाप ले। चल अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ा ले, एक कदम बढ़ा ले। वाह बालवीर, आप तो शेरो शायरी भी कर लेते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन बहुत खूब, आपने हम सबको आज एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो दोस्तों, एस बालवीर सेड, स्टार्ट स्मॉल एंड टेक इफेक्टिव एक्शन। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपका एक कदम आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता बना देता है। ऑफ कोर्स, आज से सालों पहले जिन्होंने बालवीर के बारे में सोचा होगा उन्हें तब पता नहीं होगा कि एक दिन यही बालवीर पूरी जनरेशन का आइडल बनेगा और पूरा देश मुझे इतना प्यार देगा। वैसे ही आप जब 3 साल के थे तब आपके माता पिता ने नहीं सोचा होगा कि आपके इसी हुनर और आपके इसी काबिलियत से आप एक दिन अंतरिक्ष की यात्रा और चांद की यात्रा पर जाएंगे। आपके डियर मून प्रोजेक्ट के लिए बालवीर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू सो मच बालवीर, हमारे पूरे डियर मून टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बालवीर तो इस ब्रह्मांड में उड़कर कहीं भी जा सकता है, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी थोड़ा एक्सपीरियंस कर ले। वेल, जोक सपाट, मैं तो बस ट्राई करता हूँ कि मैं भगवान के और अपने माता पिता के दिए हुए आशीर्वाद का और अपने टैलेंट का सही यूज करके लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, उन्हें सही राह दिखा सकूँ और उन्हें विश्वास दिला सकूँ कि अगर निश्चय किया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। राइट, दैट्स द बालवीर स्पिरिट। और यही तो मैं मानता हूं कि हर इंसान बालवीर है और अपनी अच्छाई और सच्चाई की ताकत से वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, जो चाहे वो बन सकता है। यस, मैं भी बालवीर। सो बालवीर, एनी लास्ट कमेंट्स फॉर एवरीवन? बिल्कुल, जो भी अच्छाई और सच्चाई में विश्वास करता है उन सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपका विश्वास मेरी ताकत है और मुझे गर्व है कि मेरा अस्तित्व आप सभी के लिए प्रेरणादायक है। जब तक आप जैसे इंसान इस दुनिया में है तब तक अगर किसी को डरने की जरूरत है तो वो बुराई को है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू आज हमसे बात करने के लिए और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे दिल से याद कीजिएगा, क्योंकि आपका बालवीर आपके साथ आपके दिलों में रहता है। बचाना काम है, बालवीर नाम है।